दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना संबंधी जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी अलक निरंजन, उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अश्वनी, कुल सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में समाज कल्याण विभाग द्वारा लाल डिग्गी में संचालित छात्रावास की क्षमता बढ़ाए जाने सहित छात्रवृत्ति वितरण की समीक्षा की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, तो ये वाली इंस्टीट्यूट से जितनी आख्या मिल जाएगी उसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे मार्क्स सस्पेक्ट आ रहा है तो डेटाबेस में नंबर चढ़ा ही नहीं है बोर्ड का, या मार्क्स मिसमैच ये दे रहा है कि बच्चा जैसे पाया है। इसमें मीटिंग कभी की गई है, एक छात्रावास जो हमारे यहाँ लाल डिग्गी में है, तो उसमें जो एप्लीकेंट्स आए हैं जिससे 48 की कैपेसिटी है, 60 से ऊपर आए हैं, तो उसमें क्राइटेरिया जो यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ रहा है या जो पढ़ रहा है जिसको नीड है वो क्राइटेरिया रख के उस तरह से हम लोग एक क्राइटेरिया सारी कमेटी ने बनाया है, उसी पर हम लोग पास करेंगे, जिसमें देखा जाएगा कौन कितनी दूर से आ रहा है, इनकम कितनी है उसकी फैमिली की और किसको नीड है, मतलब जो नीडी है उसको जरूर मिल जाएगा। इसलिए कहा कि छात्रवृत्ति को लेकर छात्रवृत्ति में कुछ मुद्दे आए हैं, क्योंकि कोविड के कारण बच्चों की अटेंडेंस नहीं पूरी हो पाई है जा, और दो तीन चीज़ें जिससे डेटा मिसमैच हो रहा है, उसमें पूरा लिबरल व्यू लिया गया है कि जो जेन्युइन बच्चा है तो उसको छात्रवृत्ति पूरी दी है।